प्रदेश डिपो संचालक द्वारा प्रदेश सरकार व खाद्य मंत्री किशन कपूर को अपनी मांगों को लेकर एक पत्र भेजा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए कपूर ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। हमीरपुर में डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार डिपो संचालकों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी समस्याओं का निपटारा करेगी। प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश सरकार डिपो धारकों की मांगों पर गौर करने जा रही है, जिससे डिपो धारकों में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हमीरपुर में हुए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के बाद प्रदेश सरकार जागी है और उनकी समस्याओं का निपटारा जल्द होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा और पूरे प्रदेश भर में डिपो धारक राशन नहीं उठाएंगे। हमने 6 अगस्त को एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हमीरपुर में किया, जिसमें प्रदेश भर के डिपो धारकों ने, विभिन्न जिलों से आए डिपो धारकों ने व प्रदेश डिपो संचालक समिति के पदाधिकारियों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी समस्याओं से माननीय विधायक, जो कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनको अवगत कराया। बतौर मुख्य अतिथि वो उसमें शामिल हुए और हमने सारी समस्याओं के बारे में माननीय विधायक जी को अवगत कराया है और उनसे निवेदन किया है कि वो आने वाले विधानसभा सत्र में हमारी इन डिमांड्स को सरकार के समक्ष रखेंगे और इनका निवारण करवाएंगे। इससे पहले भी हमने पिछले महीने माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री कृष्ण कपूर जी से मिलकर अपनी समस्या से उनको अवगत करवाया था, तो उस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए थे, जिसकी कॉपी मुझे पिछले कल प्राप्त हुई है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि सरकार जो है वो हमारे सम्मेलन के बाद जागी है और हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र हमारी जो समस्या है इनका निपटारा सरकार करेगी। यदि सरकार हमारा निपटारा जो है, हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं करेगी, तो इससे अगले विधानसभा सत्र में विधानसभा सत्र का जो है वो विधानसभा घेराव किया जाएगा और पूरे प्रदेश भर के डिपो होल्डर जो है वो उस घेराव में शामिल होंगे और राशन भी न उठाने का निर्णय जो है उसमें लिया जाएगा। मुख्य डिमांड है मासिक वेतन। हमें सिर्फ जो निजी डिपो धारक हैं उन्हें मात्र 3% जो कमीशन है वो एपीएल के राशन पे दिया जा रहा है वर्तमान में, और शॉर्टेज का कोई प्रावधान नहीं है। बारदाना फटा हुआ होता है, राशन जो है वो खाद्य सामग्री जो है वो गिर जाती है, कभी गाड़ियों में गिरती है, कभी हमारे डिपो में गिर जाती है, जिसे पूरा करना हमारे लिए असंभव है। तो हमें शॉर्टेज भी दी जाए और जम्मू, केरला और तमिलनाडु की तर्ज पर जो है वो हमें मासिक वेतन देने की घोषणा करे सरकार। नंबर 2 के अभी हाल ही में हमारे माननीय मंत्री जी ने एक आदेश जारी किए हैं कि डिपो जो है वो पूरा महीना खुले रखेंगे, 30 दिन खुले रहेंगे। तो मैं जो है वो समिति की तरफ से इस चीज का विरोध करता हूँ कि भाई डिपो जो है वो 30 दिन, ऐसा और कौन सा विभाग है जो पूरे 30 दिन खुला रहता है? बाकी विभाग के कर्मचारी या मंत्री कभी ऐसा नहीं बोलते कि एतवार वाले दिन भी या किसी गेस्ट छुट्टी वाले दिन भी आप कार्यालय में बैठे। तो हमारे ही विभाग के मंत्री ऐसे आदेश क्यों जारी करते हैं? जब भी कोई नई सरकार बनती है, नए मंत्री बनते हैं, तो हमारे डिपो धारकों के लिए नए नए आदेश जारी कर दिए जाते हैं, जो कि निंदनीय है।